ओके तो गाइस स्वागत है आप सभी को माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड नंबर 24 में। तो गाइस आज हम लोग बनाने वाले एक बहुत ही ज्यादा सिंपल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एक विच फार्म को, क्योंकि देखो इस फार्म को बनाने के लिए मेरे को मैं क्यों बना रहा हूँ इस फार्म को। देखो सबसे पहले देखो इस फार्म को बनाने से मतलब मेरे को जो है गन पाउडर मिल जाएगा, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि रेडस्टोन हो गया, कुछ पोशन जैसे कि हीलिंग पोशन हो गया, और फिर फायर रेजिस्टेंट पोशन हो गया, और फिर जो है वाटर ब्रीथिंग पोशन। हाँ गाइस इन सब पोशन को भी आप ले सकते हो इस फार्म से। तो गाइस ये देखो मैं आ चुका हूँ विच हट के पास, मतलब ये विच हट मेरे को बहुत पहले मिला था, ठीक है, यहाँ पे जब मैं सफारी को लेके आया था। हाँ गाइस यहाँ पे मैं सफारी को लेने ही आया था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे एक विच हट है, तो विच हट में भी तो गनपाउडर मिलता है। इस फार्म को अगर बनाता हूँ तो मेरे को यहाँ से गनपाउडर मिल जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है। देखो अभी ना बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत हो रही है, गनपाउडर नहीं है भाई। वो जो मैंने क्रीपर फार्म बनाया वो तो भाई ढंग से काम ही नहीं कर रहा, बहुत ही ज्यादा मतलब धीरे धीरे काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे देखो सफारी को लेने आया था, मेरे को ये दिखा जैसे कि मेरे को बहुत पहले मिला था, एपिसोड 4 में ये मिल गया था मेरे को, बट इसको मैंने बनाया नहीं। आप लोगों में से बहुत लोग मतलब बोल भी रहे थे कि विच फार्म बनाओ, और गाइस ये फार्म ना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। मतलब देखो इस फार्म को मतलब बनाने का जो मटेरियल्स है उसको तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। जो मैंने पहले एक विच फार्म बनाया था उससे क्या होता है, मतलब अलग डिजाइन में आपको ये जो अलग मतलब ये जो मतलब जगह है ना, इसको आपको स्पॉन प्रूफ बनाना होता है, जैसे कि टॉर्चेस लगाना होता है, ठीक है, तभी आपको इस फार्म के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे से जो है काम करते हुए देखने को मिलता है। बट इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब ये जो अलग सा मतलब जगह है ना, यहाँ पे आपको टॉर्चेस भी लगाना नहीं पड़ेगा। मतलब कि भैया टॉर्चेस भी ना लगाओ तो भी ये काम करेगा बहुत ही ज्यादा अच्छे से। और गाइस इस फार्म का ना डिजाइन करा है साइलेंट विस्पर, ठीक है, तो मैं उसके चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहो तो आप उनके चैनल को भी विजिट कर सकते हो। तो गाइस देखो अभी ना सबसे पहले तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसके अंदर जाके देखता हूँ, ठीक है, कुछ पोशन वगैरह मिलेगा तो अच्छी बात हो जाएगी। बट मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना सबसे पहले चढ़ जाता हूँ, पता नहीं यार ये क्या पोशन वगैरह है, वैसे तो मेरे को पता नहीं है। तो एक काम करते हैं, मेरे को ना मैं यहाँ पे जो है वो तो लेके आया हूँ। आप लोगों ने बोला था कि विच हट के अंदर जो कॉल्ड्रन होता है उसके अंदर एक पोशन रहता है, ठीक है, तो वो पोशन क्या है आप जरा दिखाओ, ये क्या पोशन है भाई। ओ गाइस मेरे को पॉइजन वाला पोशन मिल गया। ओके तो यहाँ पे पॉइजन वाला पोशन मिलता है, आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ अलग पोशन वगैरह जो है वो अलग से कुछ मिलता है, बट खैर कोई दिक्कत की बात नहीं, जो मिला रख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइस इस फार्म को ना बहुत ही सिंपल है, तो सबसे पहले तो आपको एक इसके लिए एक विच हट बनाना होगा, ठीक है, विच हट को एक ढूंढना होगा, ठीक है। आप सिंपली से आपके जो वर्ल्ड है वो आसपास ढूंढ के देखो, आपको मिल जाएगा बहुत ज्यादा इजीली। बट अगर नहीं मिला तो chunkbase.com को आप सर्च करो, वहां पे भी आपको इजीली मिल जाएगा। तो खैर कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो आपको मतलब वॉल जो दिख रहा है ना, यहाँ पे ये वाला जो वॉल आपको दिख रहा है, इनको ना हटाना होगा ऐसे करके। ये तो चलो अभी यहाँ पे जो है ग्लास फेंस को ले लेते हैं, 18 है, चलो इससे काम चल जाएगा मेरे हिसाब से। काम करते हैं, देखते हैं भैया बेड को मैंने लाया हूँ या नहीं। यार भाई मैंने बेड को तो लाया ही नहीं, बेड नहीं होगा ना तो यहाँ पे बहुत सारे मॉब स्पॉन होंगे ना, तो इसीलिए भाई सर कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी ना मैं काम करता हूँ, सबसे पहले तो भैया एक बेड चाहिए मेरे को, बेड के बिना भैया कुछ नहीं कर सकता मैं, ये बना लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे को आई थिंक ये मिल चुका है। ओके तो गाइस बेड तो बना लिया मैंने। ओके तो गाइस गुड नाइट। ओके तो गाइस गुड मॉर्निंग। माइनक्राफ्ट में बहुत बहुत ज्यादा मतलब सो जाओ और उठ जाओ भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। ओके तो गाइस सब कुछ हो चुका है और अभी हमें चाहिए होगा ग्लास फेंस, ठीक है, ग्लास फेंस तो मैंने ले लिया है। ओके तो गाइस ये देखो, अभी देखो क्या करना होगा, जो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यहाँ पे सबसे पहले तो इसको हटाना होगा भैया। ओके तो गाइस ये देखो यहाँ पे जो सेकंड वाला जो ब्लॉक मतलब ये जो लॉग देख रहे हो ना यहाँ पे, ये वाला मतलब कि भैया यहाँ पे और यहाँ पे ये वाला जो लॉग आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको ऐसे करके रखना होगा कुछ ग्लास पेंस को, ताकि यहाँ पे आपको पता चले कि यहाँ पे मतलब जो विच है वो स्पॉन हो रहा है, ठीक है। ओके तो बिल्कुल ऐसे करके आपको दे देना होगा ग्लास फेंस को, ठीक है। उसके बाद आपको एक काम करना होगा, यहाँ से इस फार्म से आपको 30 ब्लॉक दूर जाना होगा, तभी यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे जो है विच स्पॉन हो रहा है, ठीक है। A few minutes later. Okay, तो भैया बहुत मशक्कत करने के बाद जाके भैया यहाँ पे ये देखो जो है विच स्पॉन हो गया, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें सबसे पहले तो जाना होगा। ओके ये देखो ये स्पॉन हो चुका है, ये देखो विच जो है स्पॉन हो चुकी है, ये देखो एक से ज्यादा हो चुकी है यहाँ। मैंने तो सोच लिया कि भैया यहाँ पे तो विच स्पॉन ही नहीं होगा भाई, चलो तो अच्छी बात है भाई यहाँ पे जो है विच स्पॉन हो गया है। अभी देखो यहाँ पे क्या करना होगा, अभी हमें जो यहाँ पे जो ग्लास फेंस हमने लगाया था ना, उन सबको तो नहीं बट यहाँ पे आसपास के जो ग्लास फेंस हमने लगाया था उनको यहाँ से हटा देना होगा। बस उनको मत हटाना जहाँ पे जो है विच स्पॉन हुआ है ना, तो उसके चारों साइड पे जो हर ग्लास
ग्लासफेंस को छोड़ के बाकी सारे ग्लासफेंस को हमें यहाँ से हटा देना होगा। ओके तो गाइस ये देखो बिल्कुल ऐसे करके आपको पीक कर देना होगा। ये देखो चार मतलब ग्लासफेंस को छोड़ के आपको सारे के सारे यहाँ के जो ग्लासफेंस है उसको हटा देना होगा। और अभी आपको चाहिए होगा एक लोकेटर मैप, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमें एक लोकेटर मैप चाहिए, ठीक है, एम्प्टी मैप नहीं, लोकेटर मैप चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट करना होगा एंड ये देखो यहाँ पे हमारे पास जो है मैप क्रिएट हो चुका है। एंड अभी आपको देखना होगा जो यहाँ पे देखो जो मैप आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे जो आपको एक व्हाइट कलर का जो आइकन आपको देखने को मिलेगा, मतलब आप जहाँ पे खड़े हो दिशा आपको बताता है, ठीक है। यहाँ पे अगर कंपास का इस्तेमाल करोगे तो ये काम नहीं करेगा, तो आपको सिंपल से एक लोकेटर मैप चाहिए, ठीक है। तो उसको यहाँ पे क्रिएट करो और फिर देखो यहाँ पे जो ये देखो एकदम मतलब ऊपर की साइड है, देखो मतलब ये जो नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ की साइड है इस तरफ, मतलब जो ये आड़ा टेरा मतलब जो कॉर्नर और लेफ्ट साइड के मतलब जो कॉर्नर पे आपको दिख रहे हो देखने को मिल रहा है ना, तो इसी साइड पे जो है विच स्पॉन होता है। तो अगर हम लोग इस ओर देखेंगे मतलब ये जो डाउन हो गया मतलब ये वेस्ट हो चुका है, तो हमारा डायरेक्शन होना चाहिए इस तरफ, ठीक है। मतलब ये देखो अगर आप मैप को देखोगे तो ये देखो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में हमारा जो मतलब विचेस है वो स्पॉन होता है, मतलब कि भैया ये जो विच है ना वो इस जो है खड़ी है, ठीक है। मतलब तो भाई साहब यहाँ पे तो मैंने गलती कर दिया भाई। ओके तो गाइस ये देखो बिल्कुल मर चुकी है और भाई मैं अभी मरने ही वाला था, ओ माय गॉड। चलो एक काम करता है, सबसे पहले अभी ना इसको काम करना होगा, यहाँ पे जो हमने ग्लासफेंस को लगाया था तो इनको अभी हटा देना होगा। ओके तो अभी देखो आपको तो यहाँ पे विचेस का स्पॉनिंग स्पॉट तो आपको पता चल ही चुका है कि यहाँ पे जो है विच स्पॉन हो रहा है, ठीक है। और देखो भैया यहाँ पे जो है पानी ही पानी है भैया, यहाँ पे जो है मेरे को इनको ना हटाना होगा भाई साहब, यही तो दिक्कत है। तो खैर कोई दिक्कत की बात नहीं, हटा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अभी देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे स्पॉन हो रही है ना वो लोग, तो यहाँ से मतलब यहाँ पे गिरेगे, तो यहाँ पे जो है ऐसे करके आपको जो है मतलब तीन प्लैंक्स को यहाँ से हटा देना होगा। तो घर को दिक्कत की बात नहीं, यहाँ से आपको जंप करना होगा एक बार, जैसे कि मेरे को ना भाई एकदम वाहिया से जगह पे जो है स्पॉन यहाँ पे देखने को मेरे को मिला है। तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले तो देखना होगा यहाँ पे दो ब्लॉक आई थिंक रखना होगा, तो यहाँ पे आई थिंक दो ब्लॉक रखना होगा, तो यहाँ पे एक ब्लॉक हो गया एंड यहाँ पे एक ब्लॉक और, एंड अभी हमें चाहिए होगा मैग्मा ब्लॉक, ठीक है। तो मैग्मा ब्लॉक तो यहीं से मेरे को मिल जाएगा, मैंने लेके आया था, तो यहाँ पे ये देखो मैग्मा ब्लॉक मैंने ले लिया। और अभी बिल्कुल यहाँ पे एक मैग्मा ब्लॉक रखना होगा एंड दो मैग्मा ब्लॉक को यहाँ पे एक एंड यहाँ पे एक रखना होगा। दिक्कत ही दिक्कत है भाई साहब, यहाँ पे ऐसी जगह पे मैंने चूज करा और मेरे घर से बहुत ज्यादा सामने भी है ये, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरे पास बहुत सारे ब्लॉक्स है, मैंने बहुत सारे ब्लॉक्स मैंने लेके आया था, तो इसको मैं यहाँ पे काम करता हूँ। इसको ना सबसे पहले जो नीचे का जो हिस्सा है इसको अगर नहीं हटाऊंगा ना तो भैया ये काम मतलब बहुत दिक्कत आ रही है, ठीक है। ओके तो गाइस पानी जो यहाँ से हटा दिया है मैंने, और अभी देखो यहाँ पे जो करना हमें क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो है इसको हटाना होगा। ओके तो इसको हटा दिया एंड इसको भी हमें हटाना होगा, एंड इसके नीचे हमें एक दो हॉपर चाहिए होगा, ठीक है, दो हॉपर चाहिए। एंड यहाँ से हमें उस तरफ को जाना होगा, जैसे कि मान लो यहाँ से भी हमें पानी को जो है सरकाना हो, मतलब पानी को जो है यहाँ से हटाना होगा। अरे भाई आज ही रुक जाना, इतनी जल्दी क्या है मरने का भाई। सबसे पहले ना एक काम करते हैं, यहाँ पे ना सो जाता हूँ, उसके बाद जो काम को है जो करूंगा मैं, वरना यहाँ पर जो है ना काम को करने नहीं देंगे ये लोग, यहाँ पे मत आया कर। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फिक्स कर दिया और अभी यहाँ पे हमें रखना होगा, यहाँ पे एक हॉपर रखना होगा एंड एक हॉपर को आई थिंक यहाँ पे रखना होगा, एक हॉपर को यहाँ पे नहीं रखना होगा, ठीक है, यहाँ पे एक हॉपर को नहीं रखना होगा, एक हॉपर को यहाँ पे रखना होगा। ओके तो मतलब यहाँ पे इसको हटाओ एंड यहाँ पे जो है एक चेस्ट को लगाओ एंड यहाँ पे एक हॉपर एंड एक हॉपर को जाएगा, मतलब एक हॉपर जाएगा यहाँ पे जो है मतलब बिल्कुल ऐसे करके, ठीक है, मतलब जानकारी के लिए आप ऐसे करके देख सकते हो। ओके सो नाउ अभी देखो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे जो है इस दो ब्लॉक को हटाना होगा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक और ब्लॉक चाहिए होगा, जैसे कि यहाँ पे एक ब्लॉक रखना होगा, यहाँ पे हमें ऐसे करके रख देना होगा, मतलब जो सॉलिड ब्लॉक है उसको हमें यहाँ पे ऐसे करके रख देना होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें जो है कवर करना होगा, जैसे कि हमें यहाँ पे जाना होगा ऐसे करके, और यहाँ पे जो है मैं कवर कर देता हूँ सबसे पहले, तो वरना यहाँ पे जो है विच स्पॉन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा मैग्मा ब्लॉक एंड यहाँ पे जो है जाएगा एक ऐसे करके रेल एंड यहाँ पे हॉपर माइनकार्ट एंड इसको थोड़ा सा धक्का देके ऐसे करके कर दो, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे करके कर देना। और उसके बाद यहाँ से इसको हटाना होगा और यहाँ पे जो है हमें रखना होगा एक मैग्मा ब्लॉक। उसके बाद हमें यहाँ पे एक और ब्लॉक यहाँ पे ऐसे करके आना होगा, जैसे कि यहाँ पे मान लो, ओ माय गॉड भाई यहाँ पे भाई कितना दिक्कत हो रही है भाई यहाँ पे। एंड यहाँ पे पिस्टन को रखो एंड यहाँ पे लीवर को रख के यहाँ पे ऐसे करके कर दोगे तो ये देखो बिल्कुल ऐसे करके चला जाएगा। और उसके बाद हम लोग जो है पिस्टन को ऐसे करके हम लोग तोड़ सकते हैं। एंड अभी जो है मेन काम को करना होगा और उसके लिए हमें यहाँ पे जो है सॉलिड ब्लॉक को रखना होगा, जैसे कि यहाँ पे ब्लॉक से इसको कवर कर देना होगा, बिल्कुल ऐसे करके हमें ब्लॉक से इसको
कवर कर देना होगा बिल्कुल ऐसे करके। ओके तो अभी हमें ऊपर जाना होगा और ऊपर जाने के बाद हमें कुछ काम को करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग ऊपर चले जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे भाई सब यहाँ पे इतने सारे क्रीपर क्यों स्पॉन हो रहा है भाई। ओके तो सबसे पहले यहाँ पे क्राउच होके हमें रखना होगा यहाँ पे पिस्टन, ठीक है। जैसे की यहाँ पे एक पिस्टन हो गया, यहाँ पे हमें रखना होगा एक पिस्टन एंड यहाँ पे हमें रखना होगा एक पिस्टन। ओके सो नाउ हमें रखना होगा यहाँ पे स्टेयर, ठीक है। कहाँ पे रखना होगा, जैसे की यहाँ पे एक स्टेयर को रखना होगा एंड यहाँ पे एक स्टेयर को रखना होगा, उसके बाद यहाँ पे एक स्टेयर को रखने के बाद यहाँ पे एक स्टेयर, मतलब चार स्टेयर को ऐसे करके रखना होगा, ठीक है। सॉलिड ब्लॉक मतलब यहाँ पे एक सॉलिड ब्लॉक रखो, मतलब जहां जहां पे आपको मतलब दिख रहा है ना कि यहाँ पे एक सॉलिड ब्लॉक रखना होगा। आई थिंक नो यहाँ पे सॉलिड ब्लॉक ऑलरेडी है, तो जहाँ पे खाली आपको दिख रहा है ना तो वहाँ पे आपको सॉलिड ब्लॉक रखना होगा ताकि ग्लिचेस की वजह से वो जो विचेस है ना वो यहाँ से एस्केप ना कर सके, ठीक है। तो ये बात देख लेते हैं, यहाँ पे कोई मतलब हमें देखने को कुछ नहीं मिलेगा ना क्या। ओके तो यहाँ पे ये देखो बिल्कुल ऐसे करके आपको रखना होगा एंड यहाँ पे पानी भी तो प्लेस करना होगा। तो पानी प्लेस करने के करने से पहले आपको यहाँ पे जो है जो स्टिकी पिस्टन आपने लगा रखा, जैसे कि मेरे पास तो यहाँ पे जो है सॉलिड ब्लॉक मैंने रख दिया है। अरे यार तू कहे के लिए आ रहा है भाई, ये। ओके तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे तो मैंने पूरा का पूरा सॉलिड ब्लॉक दे दिया है, तो इसीलिए मेरे को यहाँ पे जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपने यहाँ पे सॉलिड ब्लॉक नहीं दिया, अगर आपको मान लो कि विचर जो है वो लैंड पे आपको देखने को मिला है, आपको जो है यहाँ पे जो है पिस्टन अगर आपको देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे मान लो, तो यहाँ पे पिस्टन के पीछे आपको यहाँ पे ऐसे करके रखना होगा एक बटन। ये बटन इसलिए रखना होगा ताकि यहाँ पे जो है आप अंदर की साइड को जब आप पानी डालोगे तो पिस्टन पे जब पानी डालने के बाद यहाँ पे जो है फ्लोट नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे बाहर नहीं गिरेगा। एंड अभी हमें मेन काम को करना होगा और उसके लिए हमें चाहिए होगा एक रेडस्टोन रिपीटर, और रेडस्टोन रिपीटर को रखना होगा यहाँ पे, हमें बिल्कुल ऐसे करके यहाँ पे हमें रखना होगा बिल्कुल ऐसे करके, और इसको दो टिक पे कर देना होगा। उसके बाद हमें इस साइड पे आना होगा और इस साइड पे आने के बाद यहाँ पे हमें रखना होगा एक ऑब्जर्वर रखना होगा, यहाँ पे हमें रखना होगा एक सॉलिड ब्लॉक, यहाँ पे हमें रखना होगा एक ड्रॉपर, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर रखना होगा, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर रखना होगा, यहाँ पे फिर से एक सॉलिड ब्लॉक रखना होगा, बट हमें इसके पहले यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे रखो एक सॉलिड ब्लॉक, यहाँ पे हमें फिर से रखना होगा एक ड्रॉपर बिल्कुल ऐसे करके, यहाँ पे रखना होगा एक ऑब्जर्वर, यहाँ पे फिर से एक सॉलिड ब्लॉक, यहाँ पे फिर से ड्रॉपर, यहाँ पे फिर से ऑब्जर्वर, और यहाँ पे फिर से हमें रखना होगा एक सॉलिड ब्लॉक बिल्कुल ऐसे करके, ठीक है। चले और भैया तू मुंह उतार के मत आया कर, यहाँ पे बड़ा मार तोड़ के हाथ में दे देंगे। ओके तो अभी देखो यहाँ पे एक लीवर रखना होगा, जहाँ पे हमारा जो ये जो मतलब ड्रॉपर जो है ना, यहाँ पे हमें रखना होगा एक लीवर, और इसको पहले एक बार करके ऑन कर दो। अरे भैया तू जाना यहाँ से भाई, वो ताड़ के यहाँ पे मत आया कर, मैं काम कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पे जैसे कि आप लीवर को एक बार डाउन करोगे तो ये एक बार एक्टिव हो जाएगा, मतलब पता चलेगा, और उसके बाद ऐसे करके अगर आप ऊपर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए इसको ऑफ कर रहे हो। ओके तो ये देखो ऊपर हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे अभी रखना होगा, हमें डालना होगा पानी। ओके सो नाउ अभी हमें पानी को डालना होगा, तो पानी को डालने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पानी को ले लेते हैं। ओके तो ये देखो पानी हम लोग ले चुके हैं, और यहाँ पे जो स्टेयर आपने रखा है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेयर पे ऐसे करके पानी को डालो, एक और बकेट पानी यहाँ पे ये रहा, और एक यहाँ पे ऐसे करके रखो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके डालो, और उसके बाद फिर से पानी को लो, क्योंकि यहाँ से पानी तो मतलब मिल ही जाएगा यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे सारे के सारे स्टेयर में ऐसे करके पानी को डाल देना होगा बिल्कुल, यहाँ पे एक बकेट पानी, और हमें एक बकेट पानी को बिल्कुल वहां पे जो स्टेयर आपने रखा है ना, तो वहां पे आपको डाल देना होगा बिल्कुल ऐसे करके। तो यहाँ पे ये देखो, और थोड़ा सा हमें तो यहाँ पे जो है पानी को ले लेते हैं, और जो सारे के सारे पिस्टन है ना, पिस्टन पे ऐसे करके डाल दो एक पानी, तो यहाँ पे ये देखो बबल कॉलम बन जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे जो है पानी को लेना होगा, और उसके बाद यहाँ पे एक बकेट पानी, और एक बकेट पानी को यहाँ से लेके और यहाँ पे डाल देना होगा बिल्कुल ऐसे करके। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको अंधेरा करना होगा, तभी यहाँ पे जो है स्पॉन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक साइड को ऐसे करके हम लोग दे देते हैं कुछ सॉलिड ब्लॉक बिल्कुल ऐसे करके, और ऊपर के साइड में भी आप ऐसे करके दे देना होगा। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे रखना होगा बिल्कुल स्पॉनिंग स्पॉट जहाँ पे है ना, वहाँ पे उसके ठीक एक ब्लॉक ऊपर आपको यहाँ पे ऐसे करके रखना होगा एक ग्लास को, और ग्लास को रखने के बाद वो लोग यहाँ पे स्पॉन होंगे, और वो सीधा यहाँ पे ग्लास है इसीलिए यहाँ पे जो है धक्का खा के यहाँ पे गिर जाएगा बोलो। तो अभी देखो सबसे पहले हमें कुछ स्लैब बनाना होगा, ताकि यहाँ पे स्लैब रख दे ताकि ये जो स्पॉन प्रूफ हो जाए, ठीक है। ऑल डन। तो सबसे पहले ये देखो हमारा जो ऑलमोस्ट काम हो चुका है, यहाँ पे भी स्लैब को रखना मत भूलना, क्योंकि ये जो मतलब यहाँ पे जो है अगर आप स्लैब को नहीं रखोगे तो विच जो है वो यहाँ पे स्पॉन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्लैब रखना जरूरी है, ठीक है। और अभी आपको इसके छत के ऊपर आपको जाना होगा, तो छत के ऊपर भी यहाँ पे देख सकते हो ये सॉलिड ब्लॉक है, तो यहाँ पे जो है कुछ स्लैब ऐसे करके रख देना, ठीक है, ताकि यहाँ पे कोई विच स्पॉन ना हो सके। ओके तो गाइस हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, और अभी हमें यहाँ पे जो है एक एरिया बनाना होगा, ऊपर हमें एक
एफ के एरिया बनाना होगा और हम लोग वहां पे अगर खड़े रहेंगे तो यहाँ पे जो है विच स्पॉन होना शुरू हो जाएगा। उससे पहले हम लोगों को यहाँ पे जो है ट्राइडेंट को फेंकना होगा ताकि हम लोग जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो लोग मर सके। तो यहाँ पे जो है इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ऐसे करके हटा दो एंड यहाँ पे आपको एक ट्राइडेंट को फेंकना होगा जो होगा इंपेलिंग फाइव। मतलब इंपेलिंग फाइव अगर आप मतलब उसके अगर लगाओगे तो वो जो है ज्यादा से ज्यादा डैमेज देगा वो, ठीक है। मतलब जो इंपेलिंग फाइव अगर आप रखोगे ट्राइडेंट आप रख सकते हो वरना आप नॉर्मल भी ट्राइडेंट एक रख सकते हो, वो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पे ये देखो बिल्कुल ऐसे करके आपको यहाँ पे ऐसे करके एक ट्राइडेंट को आपको फेंक देना होगा और उसके बाद यहाँ पे जो है एक बार इस लीवर को ऑन कर दो, वो जो ट्राइडेंट है ना वो अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ओके तो गाइस ये देखो ये हो चुका है और अभी हमें यहाँ पे जो है इसको ब्लॉक कर देना होगा। तो सबसे पहले देख लेता हूँ मैं यहाँ पे कोई गलती नहीं की ना। ओके तो गाइस यहाँ पे ये देखो सब कुछ हो चुका है, हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है, बस हमें यहाँ पे अभी एक एफ के स्पॉट बनाना होगा। ओके तो अभी देखो यहाँ पे आपको खड़े रहना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे खड़े रहोगे तो ये देखो विच हट यहाँ पे, मतलब वाई लेवल 66 पे हमारा जो विच हट है यहाँ पे है, मतलब ये जो स्पॉनिंग स्पॉट है 66 पे ये स्पॉन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ऊपर की ओर 40 ब्लॉक्स ऊपर की ओर हमें जाना होगा, ठीक है। 66 40 मतलब 106 ब्लॉक ऊपर हमें जाना होगा, वाई लेवल 106 पे हमें जाना होगा। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो है स्पॉनिंग स्पॉट जो है वो किधर है। ओके तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखो बिल्कुल ये जो जगह है ना ये विचेस का स्पॉनिंग स्पॉट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है आपको एक प्लैंक रख दो और उसके बाद यहाँ पे एक स्लैब रख दो, उसके बाद यहाँ पे जो है एक काम करना होगा हमें यहाँ से ऊपर की ओर जाना होगा 60 ब्लॉक्स ऊपर की ओर, ठीक है। तो सॉरी 40 ब्लॉक्स ऊपर की ओर जाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 40 ब्लॉक्स हम लोग इसको कर देते हैं, तो ये देखो 44 ब्लॉक्स है। तो हमें यहाँ से ऊपर की ओर 40 ब्लॉक्स मतलब 106 पे हमें जाना होगा, मैं बार बार 40 ब्लॉक्स कह रहा हूँ। एंड ये देखो गाइस हमें अवेलेबल 106 पे हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे इसको हटाओ एंड यहाँ पे हम रखेंगे एक ग्लास को रखेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा एक एरिया बना देंगे यहाँ पे। ये देखो ये होगा हमारा एफ के एरिया और यहाँ पे जो है आप एक ऐसे करके 1-2 ब्लॉक्स हाई रख के यहाँ पे एक ऐसे करके रखना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे वरना एफ मतलब एफ के आप रहोगे और उसके बाद आपको जो है फैंटम परेशान ना करे इसीलिए। तो अभी देखते हैं यहाँ पे जो है सबसे पहले तो हमें यहाँ से ऐसे करके आ जाना होगा और इस लीवर को जो है ऑन करना होगा, ठीक है। इस लीवर को जैसे कि आप साउंड तो सुन ही पा रहे होंगे तो यहाँ पे जो है विच स्पॉन होगा और वो मर जाएगी भाई। थोड़ी देर यहाँ पे रुकता हूँ और उसके बाद देखता हूँ यहाँ पे क्या हो, ये काम करता या नहीं। मैंने ट्राइडेंट क्लियर को चला दिया है और अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद देखते हैं यहाँ पे ये फार्म काम करता या नहीं। 15 minutes later. Okay, तो गाइस मैंने यहाँ पे थोड़ी देर मैंने रुका हूँ, जैसे कि आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ और अभी चलो देखते हैं यहाँ पे जो है मेरे को कितने सारे लूट मिला है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले भैया देख लेते जाके कि हमें यहाँ पे क्या क्या लूट मिला है भाई, क्या और कितना लूट हमें मिला है। तो सबसे पहले चलो और चल के देखते है यहाँ से, वैसे भी मैं ऐसे करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पे चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है जैसे कि आप देख सकते हो। तो पहले मैंने क्या था, पहले मैंने यहाँ पे जो है ये चीज को करा नहीं था यहाँ पे। अगर आपके कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप ऐसे कर सकते हो। ये देखो नीचे मैंने थोड़ा एक ब्लॉक नीचे मैग्मा ब्लॉक जहाँ पे है उसके थोड़ा सा नीचे मैंने यहाँ पे एक हॉपर माइनक्राफ्ट और वहाँ पे रेल और पावर रेल को रख के एक्टिवेट कर दिया उसको, ठीक है। अभी चलो देख लेते हैं सबसे पहले हमें क्या क्या लूट हमें मिला है। ओके तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को कितने सारे जो है लूट मिला है। ये देखो भैया ये स्विफ्टनेस भी मिला है, ओ माय गॉड। मैंने तो सोचा था कि भाई यहाँ पे तो वाटर ब्रीथिंग पोशन को भी मिलेगा, मतलब वाटर ब्रीथिंग पोशन मिलेगा, फायर रेजिस्टेंस पोशन मिलेगा, हीलिंग पोशन मिलेगा, वो तो छोड़ दो भैया यहाँ पे तो एक और मतलब मिल रहा है भाई जो है स्पीड वाला पोशन, ओ माय गॉड। ये देखो जैसे कि यहाँ पे हीलिंग पोशन है और यहाँ पे भैया देखो भाई स्विफ्टनेस को मिल रहा है भाई स्विफ्टनेस। तो यहाँ पे जो है गनपाउडर भी मिलता रहेगा मेरे को यहाँ से। तो सबसे पहले भैया ये खचाखच वाला जो साउंड है ना इसको बंद करो यार, मेरे कानों में दर्द कर रहा है अभी फिलहाल के लिए। चलो भैया तू शांत हो जा बेटा। ओके भैया शांत हो गया भैया। ओके तो चलो अभी देख लेते भैया यहाँ पे देखो गाइस कितने सारे मेरे को लूट मिल चुका है यहाँ पे, ओ माय गॉड भाई। चलो कुछ तो सही काम में आया ये फार्म। चलो अभी यहाँ से ना हम निकलते हैं भाई, मैं ना बहुत देर से यहाँ पे मतलब इसको बनाने में बहुत ज्यादा पापड़ बेलना पड़ा है भाई इसको। ओके तो गाइस वैसे आज ना शाउट आउट दे तो ऐसे करके, ठीक है। तो गाइस ये देखो आज का शाउट आउट जाता है इनको, ठीक है। तो गाइस ये है हमारा सिंपल और इजीएस्ट विच फार्म। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने आस पास कुछ भी मतलब टॉर्चेस वगैरह कुछ भी स्लैब वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया या फिर टॉर्चेस वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे कि आप देख सकते हो पूरा
पूरा का पूरा जगह जो है यहाँ पे वो जैसे था वैसा ही रख दिया मैंने, फिर भी एक फार्म काम कर रहा है, मतलब कितना सही है, ओ माय गॉड। तो खैर गाइस आज के लिए इतना ही रखता है टाइगर। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करता हूं, ताकि ऐसे वीडियोस अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो इसलिए बेल आइकन को जरूर दबा देना। और गाइस और भी क्या फार्म देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बोलना, ठीक है। मैं उस फार्म को बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, नेक्स्ट एपिसोड में जरूर बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही एक अच्छा सा फार्म बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो खैर आज के लिए भाई यहां से नजारा देखो, अभी ना मेरे को वहां पे जाना होगा और वहां पे मैंने जो सफारी को रखा है ना तो उसको मैं लेके जाऊंगा, ठीक है। तो बहुत दिनों से भाई एपिसोड 4 में उसको यहां पे लाके पटक मतलब छोड़ा था, और फिर उसके बाद देखो 24 वाले एपिसोड से उसको मैं लेके जा रहा हूं, मतलब 24 वाले एपिसोड में मैं उसको घर लेके जा रहा हूं। भाई बहुत ही ज्यादा अमीर बन चुका है ये, उसको तो पता ही नहीं है। तो गाइस चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तो चलो मैं मिलता हूं इसी के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।